रेट हमारा 1000 पर इंटरेस्ट बार 1200 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000। ओके आई होप अंडरस्टैंड कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर सात प्रोग्राम करके दिखाए हैं। अगर आप चाहो तो उसको और भी बड़ा कर सकते हो। आप ये भी ले सकते हो कि अगर हमें कोई नंबर है उसका हाफ निकाल के करो, हाफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यूजर से कोई नंबर ले लो उसका हाफ कर दो। ठीक है बच्चों, और कोई भी लेंथ है तो आपके रूम की और फोर वॉल्स हैं उसका एक एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर निकाल सकते हो रेक्टेंगल को, थ्री नंबर्स का सम कर सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो। एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, तीन नंबर लेते हैं, उनका नंबर को सम करते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम नंबर 8। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी थ्री नंबर्स एंड सम एंड द एवरेज। ओके, CLS क्लियर स्क्रीन इनपुट कराए यूजर से। वीडियो को ध्यान से देखते रहे बच्चों, क्योंकि हमारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इस टाइम, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो स्पेशल बनाई है प्रोग्रामिंग की, ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, समझ पाओ। हमारा पहला नंबर एंटर एनी नंबर मतलब एंटर योर फर्स्ट नंबर, हमारे कोई नंबर ले लो तीन नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहना सिस्टम पर। ठीक है, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो हम स्कूल में कंप्यूटर लैब में कराएंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर ध्यान दीजिएगा और अपने वन बाय वन लाइंस को लिखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, देखते रहे बार बार। ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया ए, यहाँ से कॉपी करा, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करा, नेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तीन नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे गए फर्स्ट, यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हुआ, यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर आ गया, थर्ड नंबर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है टाइपिंग में या फिर कोई समझ में है वो मुझसे क्वेरी कर सकता है, कॉल करके पूछ सकता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में इजीली। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा सम होगा, सम इज इक्वल टू तीनों नंबर को सम कर दो, या तो हम ब्रैकेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, या फिर सिंपल ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इतना भारी नहीं है मुझे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टफ नहीं, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सम को हमें यहाँ प्रिंट करा देंगे, PRINT प्रिंट द सम ऑफ थ्री नंबर, थ्री नंबर नंबर्स आर इज आर थ्री नंबर सम, जब सम इज थ्री नंबर इज इक्वल टू, जो सम आएगा हमारा सम को प्रिंट करा देना है, SUM सम। ठीक है, ये तो हमारा प्रोग्राम जो है सम नाम का, हमने प्रिंट करा दिया, पहले हम इसको सम निकाल के देखते हैं, उसके बाद फिर उसका एवरेज। ठीक है, अभी निकाल के देखेंगे, पहले इसको सम निकाल के देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 7 हो गया था, प्रोग्राम नंबर 8 करते हैं इसको, नाम से प्रोग्राम 8। सभी प्रोग्राम को ध्यान से देखना, जितने भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे समझाए हैं आपको, इस वीडियो को 4-5 बार कम से कम प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर हमारा सम आ जाएगा, तीन नंबर हमसे मांगेगा, इनपुट कराएगा, देन उसके बाद सम करेगा ऑटोमेटिक, स्टोरेज में कराएंगे वैल्यू सम में और उसको प्रिंट कराएगा। तीन वैल्यू मान लो 5, पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 1, 5 2 7 और 1 8 8 आंसर आ जाएगा, ये सम हो गया। अगर मुझे इसका सम के साथ साथ एवरेज भी निकालना है, एवरेज, तो यहाँ जाएंगे। अब एवरेज के लिए हमें पता है कि एवरेज नाम से एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, इज इक्वल टू सम, एवरेज इज इक्वल टू जो भी हमारा एवरेज होगा डिवाइड बाई, जितने भी हमने सम किया उसका डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक, क्योंकि तीन नंबर है, अगर चार नंबर होते तो 4 नंबर का हम डिवाइड कर देते, एंड ऑब्वियसली बात है कि उसको प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू, एवरेज निकालने जा रहे हैं, स्पेस दो यहाँ पर, एवरेज 3 नंबर्स इज इक्वल टू ए बी ई आर, जिस नाम से हमने वेरिएबल में स्टोर कराई है वैल्यू सम की, सम यहाँ के बाद सम को मैंने डिवाइड बाई 3 करा, स्टोर करा दिया एवरेज में, और देन उसके बाद एवरेज निकालना सीख लिया, एंटर किया, देन आफ्टर दैट 5 आ गया, रन कराएंगे। अब सम, अब देखो अगली बार हम अगला दो नए नंबर लेते हैं, यूजर से इनपुट कराएंगे नए नंबर, उसके बाद हमें सम मिलेगा यहाँ पर, देन एवरेज भी देगा। मान लो पहला नंबर 3, सेकेंड नंबर है हमारा 4, एंड थर्ड नंबर है 5,
इसको हमने 12 आया और हमारा जो एवरेज आना है एवरेज हमारा 4 आ चुका है क्योंकि 3 डिवाइड हो चुका है 4 12 से और इसका आंसर 4 आ चुका है 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एवरेज आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है तो यहां पर हम इस तरह से प्रोग्राम रन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है अब एक नया स्टूडेंट प्रोग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर नया प्रोग्राम हम यूज करेंगे इसको सेव कर लेते हैं। अब अगला नया प्रोग्राम है कि हमारे पास कोई 4 सब्जेक्ट्स हैं हमें उन सब्जेक्ट्स को एंटर करवाना है यूजर से कि भाई स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए थे और उसके बाद उसका टोटल आ जाए और उसका एवरेज निकल के आ जाए या परसेंटेज निकल के आ जाए राइट। तो देखते हैं चलते हैं क्लियर स्क्रीन। यूजर से हमने 4 मार्क्स के नंबर इनपुट कराए यूजर से इनपुट एंटर सब्जेक्ट 1 ले लिया या फिर मैंने लिख दिया मैथ्स मार्क्स मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हमने एंटर करा मैथ्स को मैंने एम दे दिया ऐसे मैंने सब कॉपी कर लिया यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन पेस्ट नेक्स्ट लाइन में उसको मैंने कंट्रोल बी कर दिया देन नेक्स्ट लाइन में उसको कंट्रोल बी कर दिया देन नेक्स्ट लाइन उसको कंट्रोल बी करा कॉपी करने के बाद इजी हो जाएगा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथ साइंस ठीक है दूसरा सब्जेक्ट साइंस हो गया इसको एस नाम से कर लिया साइंस को मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे समझ रहे हैं इसको। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर कर सकते हैं। हिंदी थर्ड प्रोग्राम है थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी एच नाम से सेव किया यहाँ पे स्टोर किया वैल्यू उसके बाद हमने इनपुट कराया देन उसके बाद हम इनपुट कराने के बाद इसमें प्रिंटिंग भी कराएंगे अपने कुछ वेरिएबल्स। नाउ स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में जैसे हमने अलग अलग मार्क्स एंटर करे हैं यूजर से यूज इनपुट के एंटर मार्क्स मैथ एंड एंटर साइंस मार्क्स एंड हिंदी मार्क्स एंड एंटर इंग्लिश मार्क्स तो इस प्रोग्राम में हमने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए हैं यूजर से इनपुट लिए राइट। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दीज मार्क्स टोटल ठीक है और इसका परसेंटेज किस स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है टोटल कितना आया है और उसके बाद उसका फाइनल परसेंटेज कितना है राइट हमें यूज करना है। तो टोटल के लिए मैंने यूज़ किया यू इनपुट करने के लिए जो हमने दिया है तो हमारा वो आउटपुट भी आए साथ ही साथ तो हम उसे प्रिंट कराएंगे प्रिंट तो जो मैथ के मार्क्स होंगे हमारे मार्क्स मैथ्स मार्क्स मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे यहाँ आ जाए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटर मैथ्स ओके सो कॉपी कर लो कंट्रोल सी नीचे लाइन में कंट्रोल बी कंट्रोल यू कंट्रोल बी 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कंट्रोल सी कंट्रोल बी यहाँ पर हमने इसके मार्क्स के नेम चेंज कर दिए साइंस कर दिया यहाँ पे अगली बार इसका नेक्स्ट लाइन में हमने नेक्स्ट हिंदी किया एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमने इंग्लिश किया 4 सब्जेक्ट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं मैथ कंप्यूटर साइंस मैथ कंप्यूटर एसएसवी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एंटर करा लिए इनके नाम जो वेरिएबल है उनको अलग अलग नाम से हमने दिया एस हिंदी को एच नाम से दे और यहाँ पे इंग्लिश को ई यूज़ कराया वेरिएबल। तो टोटल अगर निकालना तो टोटल के अंदर हमें मालूम होना चाहिए एम प्लस एस प्लस एच प्लस ई चारों सब्जेक्ट को प्लस कर लिया ठीक है एंटर करा और देन प्रिंट करा दिया हमने नेक्स्ट थोड़ा एक स्पेस देके लिखेंगे अच्छा लगता है प्रोग्राम से स्पेस द टोटल इज इक्वल आ गया डबल कोटेशन बंद सेमी कोलन कोलन सिंपल टोटल लिख देंगे ये हमारा टोटल रहेगा भी इसके बाद भी हम इसका परसेंटेज यूज करेंगे प्रोग्राम नंबर 8 या 9 जो भी प्रोग्राम नंबर 8 देखते हैं कि हमारा सेव है ऑलरेडी नहीं प्रोग्राम 8 सेव ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पर ओवरराइट नहीं करना हमें प्रोग्राम नंबर 9 से यूज करते हैं ओके डिलीट कर प्रोग्राम हमें टोटल मिल जाएगा 4 सब्जेक्ट का जो हम इनपुट कराएंगे यूजर से स्क्रीन पर क्रिएट हो रहा है प्रोग्राम वेट करते हैं
स्टूडेंट इस तरह से अलग अलग मार्क्स को एंटर करने के बाद उसका टोटल, उसका परसेंटेज, उसका ग्रेड और डिवीजन, इस तरह से हम रिजल्ट भी बना सकते हैं क्यूबीसी के प्रोग्राम्स के। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके अच्छे अच्छे हम क्यूबीसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या आपको डाटा इसका खराब हो रहा है प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये आपकी स्क्रीन आ गई है, मैथ के मार्क्स मैंने मान लीजिए आपके 50 में से 45 है बच्चे, 50 में से 50 नंबर है साइंस में, 50 में से 48 है हिंदी, और इंग्लिश में 47, राइट। तो टोटल हमारा 190 आ गया है, इट मीन्स 200 में से 190 आया है, 50 50 50 50, 200 टोटल में से 190 बच्चे आए हैं। अब मेरे को साथ ही साथ निकालना इसका परसेंटेज, तो हमें मालूम है कि टोटल पे जाएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर, परसेंटेज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज PER इज इक्वल टू टोटल जो मार्क्स हैं डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय कितने मार्क्स का 200, ये टोटल डिवाइड बाय 200। ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जो भी हो उसको 200 से डिवाइड कर दो, देन मल्टीप्लाई 100 निकाल दो, अपना अपना आइडिया है, अपना लॉजिक है कैसे करना वो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद फिर हमें प्रिंट कराना द परसेंटेज परसेंटेज का PER कैपिटल में, आंसर देखते हैं F5 प्रेस करें, परसेंटेज देखते हैं क्या है आंसर हमारा। इस बार अलग अलग मार्क्स देंगे, इनपुट कराएंगे यूजर से। ओके, वर्क कर रहा है, स्टार्टिंग लो है, आउटपुट लेंगे, मैथ के मार्क्स हमारे 50 में से 48, इंग्लिश में 47, हिंदी में आपके 42, 43, 93.5%। आई होप अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे बन बन। तो आज जो हमने वीडियो बनाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है आपकी, ठीक है। सिस्टम में इंस्टॉल कर सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो मैं आपको qbasic64.net नाम की साइट है, यहाँ पर जाइए, मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा, इसका लिंक भी वेबसाइट पर, जहाँ से आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करो, प्रोग्रामिंग बनाओ, देखो, लिखो, समझो इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस करो बन बार, पूरे वीकेंड इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आज इनका प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके एक डॉक्यूमेंट फाइल भी दे रहा हूँ प्रोग्राम्स की, आप उसको भी देखेंगे और वीडियो को भी देखेंगे बन बार, कहाँ पर गलती आई, कहाँ पर एरर आई, उसको ठीक करो, सही करो, समझो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तीनों पार्ट्स, ओके, आई हैव अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, ओके, इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है, ये आपका आज का ट्यूटोरियल था, ओके बेटा।